नमस्कार जोहार। आप देखें नजर 24 लाइव 2024 का बिल्कुल बन चुका है। अब हमारे जितना प्रत्याशी सब मैदान में आ चुके हैं। हमारे साथ हैं राम कुमार पहाड़ जी जो बीजेपी से प्रत्याशी है खिजी विधानसभा से। इससे बात करना चाहते हैं कि आपका दादा 28 तारीख के नॉमिनेशन है, क्या क्या मुद्दों को लेकर का पब्लिक के साथ और जनता के साथ मैदान है? जोहार दादा। जोहार कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं विधायक था वहाँ पर ITI कॉलेज महाविद्यालय हमने बनवाए हैं और चूंकि सैकड़ों करोड़ रुपया की लागत से वो भवन बन के तैयार है, परंतु इस राज्य का सरकार की स्वतंत्रता के कारण, वहाँ के जनप्रतिनिधि के शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण आज वो खुल नहीं पाया है। तो उसको हम लेके मुद्दा बना के उसको हम लेके जाएंगे। ऐसा ही कई एक कनेक्टिविटी रोड उस क्षेत्र में जो बनना चाहिए, बहुत जगह में ब्रिज बनवा दिया लेकिन रोड अप्रोच रोड नहीं बनाने के कारण लोगों को काफी असुविधा हो रहा है। उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में भी जाएंगे और उस दिन का नामांकन में भी इस मुद्दा पर हम विशेष रूप से जनता से आग्रह भी करेंगे कि अब की बार फिर से NDA का वहाँ पर विधायक बने, NDA की सरकार बने और जो विकास का गति वहाँ पर रुक गया है उसको हम लोग मिलजुल कर भी आगे बढ़ेंगे। सर, कौन सी कमी रह गई थी से तो पिछले चुनाव में आपने मार खाया था, इस बार आप इस चीज को पूरा कर पाएंगे और हमारी जनता को कुछ बता दें? देखिए, पिछले बार क्या था कि भारतीय जनता पार्टी और आसू का गठबंधन नहीं होने के कारण हमारा वोट का कहीं ना कहीं बिखरा हो गया था और महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा और उसका लाभ मिला था, जिसके कारण मैं बहुत कम वोट से वो चुनाव हार गए। अगर हमारा भी गठबंधन उस मजबूती के साथ चुनाव लड़ता तो कम से कम 30,000 से अधिक वोट से हम चुनाव वहां पर जीते। अभी दादा आप बोल रहे हैं कि हमारा गठबंधन जो पिछला बार नहीं था इसके चलते हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो, जो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार गठबंधन है और चुनाव जीत पाएगा, 30,000 से ऊपर लीड कर पाएगा। लेकिन आप जो खिजी विधानसभा की जो जनता है, जो मतदाता, उनको क्या बोलना चाहिएगा कि जो हटके नहीं, रुके नहीं और आपके साथ खड़ा रहे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल के दरमियान उस क्षेत्र में विकास का काम पूर्ण रूप से रुक गया था। वहाँ के जो स्थानीय विधायक जी हैं, लगभग 5 साल में 50 वो गांव में शिलापट नहीं लगाने सके थे, परंतु आचार संहिता लगने से पूर्व 1 सप्ताह के दरमियान लगभग 150 जगह स्थानों पर, महला टोला मिलाकर 150 स्थानों पर उन्होंने शिलापट लगा के जनता को ठगने का, जनता को घूरा कर जो वोट लेने का उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था उसको जनता जान चुकी है और लोगों में काफी आक्रोश है और इसका लाभ निश्चित रूप से भाजपा को, NDA का प्रत्याशी को मिलेगा। सबसे पहला खिजी के कौन सा ऐसा काम करेगा जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा? मैं तो कहा कि जब मैं क्षेत्र का विधायक था तो मैंने महाविद्यालय बनवाए, ITI कॉलेज बनवाए, मैं बहुत ब्रिज बनवाए जहाँ कनेक्टिविटी रोड नहीं है। तो ऐसे जो पिछले बार जिसको मैंने कहा, मैंने बनवाया, जिसको मैंने स्थापित किया है, तो पहला प्रायोरिटी था कि मैं उसको कॉलेज खुलवाएंगे, कॉलेज को शुरू करवाएंगे, ITI जो भवन बना रहा है उसको शुरुआत करेंगे, जहाँ पर मैं ब्रिज बनवा दिए उसमें कनेक्टिविटी रोड का कमी है उसको हम पूरा करेंगे, बहुत सा गाँव में जो RU रोड है उस रोड को हम RCD के माध्यम से उसको फिर रोड को बनवाएंगे। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण एरिया में, स्वास्थ्य का क्षेत्र में, एक रिंग रोड के बगल में जो आपका भुसूर है, जो आपका वन विभाग का जो ये आपका पार्क है, पार्क के बगल में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य केंद्र हम वहाँ पर बनवाए थे, वो भी आज तक शुरुआत नहीं हुआ, उसको हम शुरुआत कराऊंगे। ऐसे बहुत से काम, एक नहीं है, बहुत लोग, इसलिए हम जितना काम को मैंने बनवाया है उसको हम निश्चित रूप से शुरुआत करेंगे। हमारे साथ है पहान जी, जो राजकुमार पहान जी, उन्होंने बोले कि हमको चुनाव जीतने के बाद जो मेरा छोटा हुआ कार्य है उसको पूर्ण करना है और देखिए आगे की हमारा कारवा।